हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब भाई? वो बढ़िया हो गए। तो स्वागत है अपने भाई का चैनल में जिसका नाम है विशाल के ब्लॉग्स। तो सबको गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:40। तो हम जाने वाले हैं बोकारो, मैं और नाफिस। और आज हम बाइक से नहीं जाने वाले, आज हम जाने वाले हैं बस से। और हम बस से ट्रैवलिंग करेंगे और हम आज पूरा लोकेशन बोकारो का घूमेंगे। तो बने रहो ब्लॉग पे, तो एंड तक देखना वीडियो गाइस। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस अभी वेट कर रहे हैं बस का, अभी बस को आने में थोड़ा टाइम है, तो वेट करते हैं फिर चलते हैं बस। तो गाइस अभी हम बस में बैठ चुके हैं हम और नाफिस। तो बस तो हम लोग का बहुत ज़्यादा छोटा है, कंजस्टेड करके बैठे हुए हैं। अब चलते हैं, नाफिस बोलता है छोटा मोटा ऑटो है चलता फिरता है, तो ऑटो से ही चलते हैं। यार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। सब तो बने रहो ब्लॉग में गाइस, देखते रहो ब्लॉग। चलो गाइस, अभी हम हैं बोकारो में, तो बस से हम उतर चुके हैं, अब ऑटो लेते हैं फिर चलते हैं। सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर, वहाँ चलते हैं। तो अभी ऑटो लेते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम ऑटो ले लिए हैं, ऑटो में बैठे हैं और अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर। तो अलग ही मज़ा आता है गाइस ट्रैवलिंग करने में ऑटो से और क्या बाइक वगैरह से, जितना नहीं मज़ा उतना ज़्यादा मज़ा ऐसे ट्रैवलिंग करने में। तो गाइस देखते रहो ब्लॉग को एंड तक देखना गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है एंड तक देखना। अभी हम हैं जगन्नाथ मंदिर आ चुके हैं, पीछे देख सकते हो। तो अभी जाने वाले हैं, देख सकते हो कितना खूबसूरत मंदिर है, आपको दिखाता हूँ मैं पूरा। मैं पहले भी आ चुका हूँ जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि बोकारो में ही रहते हैं ना हम लोग, तो मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और अभी तो सुबह का देख सकते हो 9 बज रहे हैं, तो अभी तो कुछ नहीं, 10-11 बजे के बाद से जितना भीड़ होता है ना यहाँ पे बता नहीं सकते गाइस। बट हम लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं, सुबह सुबह ही, सुबह में ही कवर अप कर रहे हैं क्योंकि आज हम पूरा बहुत जगह घूमने वाले हैं। तो सारा लोकेशन एक ही ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं, तो आप लोकेशन देख लो गाइस फिर चलेंगे दूसरे लोकेशन पे। तो जैसा कि आपने मंदिर देख लिया है, तो हम इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ये डेडिकेटेड किया गया है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से, पूरी उड़ीसा से जिसे बनाया गया है, यहाँ के बोकारो प्लांट मैनेजमेंट की तरफ से। जगन्नाथ टेम्पल इज लॉर्ड ऑफ विष्णु, तो ये है सेक्टर 4 में बोकारो स्टील सिटी प्लांट के पास। तो गाइस ये 31st of October 2007 में ये मंदिर बना था। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे।
गाइस अभी हम जगन्नाथ टेंपल से निकल चुके हैं और हमारे पीछे है चिड़ियाघर। तो यहाँ पर भी सुने हैं कि टूरिस्ट प्लेस है, तो चलते हैं हम चिड़ियाघर में और बने रहो ब्लॉग में गाइस। तो लेट्स गो। दे दीजिए जरा हम लोग को भी बादाम, थोड़ा अंदर में भूख लग गया तो फिर क्या करेंगे। यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर लोग हेलो कर दीजिए, थोड़ा गुड मॉर्निंग है अभी, हेलो कर दीजिए थोड़ा, हेलो गुड मॉर्निंग। बताया कि हम इस जवाहरलाल नेहरू पार्क में आ चुके हैं और हमको ये पार्क आना था घूमने। असलम को अभी देख के बोर्ड पता चल रहा है कि ये वही पार्क है। सोच लो मैं 8 साल का था, अब मैं 20 साल का हुआ हूँ, 12 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे गाइस। ये था चिड़ियाघर और कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है अब बचा हुआ, जो था थोड़ा मोड़ा यही सब था गाइस और कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन के पास। तो नेक्स्ट लोकेशन है राम मंदिर, सेकंड मोस्ट पॉपुलर में आता है, ये थर्ड में आता है बट ये सेकंड में सामने था तो हम आ गए और थर्ड में आता है राम मंदिर। तो चलते हैं गाइस हम राम मंदिर, थक भी गए गाइस। अभी हम नाफिस का कैंप लगा लिए है तो कमेंट करना गाइस, चोर लग रहे होंगे हम ज़्यादा, आसमान लग रहा है सही में। क्या खरीद ले क्या हम भी एक, तो फिर देखते रहो गाइस ब्लॉग में। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, राम मंदिर। देखने में तो छोटा लगेगा बट अंदर बहुत बड़ा है। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट लोकेशन पे, लेट्स गो। ये है मेन मूर्ति राम मंदिर जो कि बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो गाइज जैसा कि आप जानते हो अभी हम राम मंदिर में हैं और गाइज मैं यहाँ का इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कब निर्माण हुआ था। ये 1967 में इसको बनाया गया था एक मजदूर नेता पंडित जी परमानंद त्रिपाठी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और अभी इसका राम मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा ये चलाया जाता है, अभी इसे वोलो के अंडर में चलाया जाता है। तो गाइस यहाँ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है लोकेशन जो है राम मंदिर का। तो गाइस आप आओ और यहाँ पे ज़रूर आना, ये दूसरे नंबर पे आता है बोकारो एरिया में, टूरिस्ट लोग के लिए दूसरे नंबर पे आता है। तो गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तो फिर लेट्स गो। अभी हम राम मंदिर के जस्ट अपोजिट में हैं, सिटी पार्क। तो ये चौथे नंबर पे आता है तो यहाँ बोटिंग वगैरह सब होता है, तो चलते हैं बोटिंग करते हैं गाइस और देखते हैं कितना मज़ा आ रहा है कितना नहीं। तो आपको भी ब्लॉग में आप देखते रहो गाइस, और ये ब्लॉग सिर्फ टूर के लिए रहेगा, मतलब अपना बोकारो का है तो बोकारो में दिखाते हैं गाइस। चलिए खुद से चला रहे हैं, देख रहे हो, डर भी लग रहा है बहुत ज्यादा, ले तो लिए कुछ पी नहीं रहे, बस खाली चलाते जा रहे, चलाते जा रहे, डर भी लग रहा है। देख रहे हो गाइस आगे,
बहुत गहरा है गाइस, बहुत ज्यादा गहरा है। बोटिंग करते हुए और देख रहे हो गर्मी, कोल्ड ड्रिंक और बोटिंग देख रहे हो, खुद से चला रहे हैं, कितना गहरा पानी है गाइस। ओह बहुत ज्यादा हालत खराब है गाइस, बट मजा आ रहा है गाइस। आओ आप भी आओ, जरूर आओ गाइस। तो आप देखो फ्रेंड्स, से चलते हैं मॉल में और मॉल के बाद देखते हैं कि और कहाँ शूट करना है। तो तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहो गाइस और हम चलते हैं अब मॉल। तो गाइस मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स मिले हैं सारे, स्कूल से छुट्टी हो गया तो आया ना, सारा फोटो शूट पे आया और न्यू सब्सक्राइबर है। तो ये लोग से मिले अभी बोकारो पार्क में, बहुत ज्यादा मजा आया ये लोग के साथ। लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बार सबसे। तो चलते हैं गाइस, न्यू सब्सक्राइबर लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं गाइस हम लोग अब। हम आ चुके हैं सेक्टर 4, पीछे देख रहे हो पिज्जा प्लाजा भी है और हमारे पीछे है मॉल। तो अभी हम चलते हैं मॉल, बोकारो मॉल में। तो देखते हैं गाइस कैसा है मॉल। तो चलते हैं गाइस, बने रहो ब्लॉग में। नेक्स्ट लोकेशन पे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोकारो का सबसे फेमस है। तो चलते हैं गाइस, जैसा कि अभी हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन में, जो बोकारो का सबसे फेमस है वो है पहलवान का लिट्टी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं लिट्टी वाला, ये छोटा सा ही सेटअप है बट बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ और यहाँ के ऑनर से मिलते हैं। गाइस टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा जैसा खाए थे अभी तक वैसा ही टेस्ट है गाइस। और बता सकते हैं हम था, और 46 साल हो चुका है। और गाइस आओ बोकारो, जब भी आओ आप बोकारो वासी जितना भी हो तो पहलवान का लिट्टी जरूर ट्राई करना। तो खाते हैं उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे गाइस। खा चुके हैं और पेट भी भर चुका है दो ही लिट्टी में, 7 साल बाद खाए हैं, समझ सकते हो गाइस कितना ज़्यादा। तो भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा, भैया के साथ फ़ोटो वोटो भी भैया लिए हैं। तो पहला बार कोई इंसान, पहला बार कोई फेमस होने से पहले मेरे साथ फ़ोटो लिया है, तो भैया थैंक यू उसके लिए। चलिए मिलते हैं फिर, आते हैं दो चार दिन। ये था पहलवान जी का लिट्टी जो है सेक्टर 4 में। तो आओ और आके ज़रूर खाना गाइस, जो भी बोकारो में रहते हैं या बोकारो आ रहे हैं तो प्लीज़ गाइस ज़रूर टेस्ट करना। मेरा सबसे मेन मोटिव था यहाँ का लिट्टी का चोखा का बनाने का वीडियो, तो वो बहुत बहुत मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मैं 7 साल बाद आया हूँ यहाँ पे, बट टेस्ट वही का वही है। तो गाइस अब हम चलते हैं एक और फेमस जगह जो कि है, बताऊँगा ही नहीं, वो लास्ट है और उसके बाद हम चलेंगे घर। तो चलते हैं गाइस, बने रहो ब्लॉग में। तो लेट्स गो गाइस, हमारा नेक्स्ट लोकेशन ये था काका चिकन बिरयानी। तो उसके पीछे कोलकाता बिरयानी है बट फेमस है काका बिरयानी। तो यही था हमारा नेक्स्ट लोकेशन। तो गाइस सबसे ज़्यादा अभी फेमस में है काका बिरयानी, बहुत जगह नाम भी सुने हैं। तो टेस्ट करते हैं और अंकल पूछना था।
तो गाइस बिरयानी तो मैं ले चुका हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 3 साल पहले भी यहाँ पे आया था और मैं पहले बोकारो में पढ़ता था, पर मैं बोकारो में 3 साल पहले इसे ट्राई किया था और आज फिर मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। जो भी रहते हो तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ आके यहाँ ट्राई ज़रूर करना, और जो भी बोकारो आ रहे हो प्लीज़ गाइस एक बार ज़रूर आके कक्का बिरयानी ट्राई करना। और यहाँ का सबसे फेमस है पहलवान जी का लिट्टी और दूसरे में कक्का बिरयानी, तो प्लीज़ गाइस आओ और ज़रूर ट्राई करो। तो खाते हैं उसके बाद चलते हैं गाइस, फिर घर निकलते हैं। मैं आ चुका हूँ घर पे और जल्दी से फटाफट मैं फ्रेश हो गया था। और गाइस ये था मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो कि बोकारो का है, और ये जो दो जगह है बोकारो में सबसे ज़्यादा फेमस है, पहला है पहलवान का लिट्टी और दूसरा है काका का बिरयानी। तो ये दो चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर खाओ गाइस। ये मॉल जाओगे जब भी बोकारो मॉल, तो मॉल के जस्ट इस साइड लेफ्ट साइड अपोजिट में काका का बिरयानी है, और थोड़े से आगे जाके अगर राइट साइड में जाओगे तो पहलवान जी का लिट्टी है। सेक्टर 4 में ही है दोनों। तो गाइस प्लीज़ जाओ और जाके खाओ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस। और गाइस अपने भाई का चैनल को सपोर्ट करो, जितना हो सकता उतना करो। तो आप जानते हो अपने भाई का चैनल का नाम, जिसका नाम है विशाल के ब्लॉग्स। तो कल मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस बहुत थक चुका हूँ, आँख भी देख रहे हो। तो आज का ब्लॉग में बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आज बहुत सब्सक्राइबर भी बहुत सारे मिले, और एक दो जो मुझे पहले से सब्सक्राइब करके भी रखे थे वो बच्चे भी मिले, और बहुत ने पूछ के मेरा चैनल मुझसे खुद से पूछा कि भाई आपका चैनल क्या है, मुझसे मिले, 2-3 ने फ़ोटो भी लिया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो गाइस बहुत खुशी हुआ आज बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, बाय, लव यू गाइस।